Assalamualaikum. We are here for the success of student. I consider this a privilege to organize this teacher training session under the supervision of Chief Executive of Kanzul Aman, Shahid Mahmood Sahab. I also wish to thank him. He provides us chance to join them in this intellectual exercise. I have heard very good point of view about the teacher's training, about the language skills, and they precisely describe and discuss and try to convey us how to develop a conducive learning educational system along with the teacher's training session. टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो एक मंथ में करवा के काफ़ी नहीं होती, इसको मुख्तलिफ ज़राए से करवाते रहना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा करवा के टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी नहीं है। जैसा कि अभी जितने बुक कोई भी बुरी नहीं होती, तमाम बुक्स अच्छी हैं, तमाम पब्लिशर्स की बुक्स अच्छी हैं। अब हम सिंगल नेशनल करिकुलम ने एक डॉक्यूमेंट डेवलप कर दिया है, उस डॉक्यूमेंट में जितनी भी तमाम चीज़ें हैं, लर्निंग आउटकम्स ऑफ द टीचर्स, लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, उसमें डिटेल्स ये डिफाइन कर दिया गया है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमने वो तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट कैसे करनी है, हाउ टू वी अचीव दोज स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, उसको कैसे मोनिटर कैसे करना है। इसके अलावा जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्लासरूम में कैसे डेवलप करना है। अरूज पब्लिकेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि वी आर इन्वॉल्व सिंस लास्ट 35 इयर्स टू डेवलपिंग प्रिंटिंग, इट्स अ रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइडिंग टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री। वी आर इन्वॉल्व इन ऑल दोज इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज सिंस लास्ट 35 इयर्स। दिस इज एन ऑनर फॉर मी। आई स्टार्टेड माई कैरियर with the publisher. At that time, the founder of the Bigger House, Mr. and Mrs. Price, I was the part of their faculty. And that time, in 1988, they introduced those phonetical enrichment exercises and all the methods and techniques. And after that, I also claim proudly that we are 10th center of those intellectual exercises. That time we conducted so many workshops countrywide. Our teachers trainer, they were from European Education Union, and they put a lot of efforts to make our teachers successful. अब इसमें जैसे अभी मैंने कुछ सुना, हमारे भाई थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप करने की 4 स्किल्स होती हैं। मैं इसमें एक एडिशन कर देता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप करने की 5 स्किल्स होती हैं। सबसे पहले लिसनिंग आती है, लिसनिंग के बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड यू आर नॉट एबल टू स्पीक, राइट जी। एंड ये 5वीं स्किल जो है बहुत कम लोग जानते हैं, इसको हम लेकर सपोज एक बच्चे के साथ मैं रशियन या चाइनीज बोल रहा हूँ, वो अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा तो वो उसको कैसे स्पीकअप करेगा। सो इसमें लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद स्पीकिंग आती है, रीडिंग एंड राइट। अब यहाँ भी अलमिया ये है, आपके अदारे में माशाल्लाह आई एम लुकिंग यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल एंड ट्रेन टीचर्स, अलमिया ये है कि जो काम बुक ने करना है वो टीचर कर देगा, वो जो टीचर्स ने काम करना है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। हम इसको कहते हैं हाँ जी हमें लिसनिंग करनी है, रीडिंग करनी है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल्स नहीं हमने तय किए। उसमें टीचर्स को प्री बुक प्रिपरेशन करके क्लासरूम में आना है, और बिफोर ओपन द बुक ही हैव टू कंडक्ट दैट एक्सरसाइज इन फ्रंट ऑफ देयर स्टूडेंट्स। अपने बच्चों को स्पीकिंग की लिसनिंग पहले करवानी है, एटलीस्ट अगर आपके पास 30 मिनट्स हैं आपके पीरियड में, तो उसमें हाफ टाइम जो है लिसनिंग और स्पीकिंग करवाएं, और हाफ टाइम जो है उसमें बाद में जाके आप अदर 2 स्किल्स जो हैं उसको डेवलप करने की कोशिश करें, जैसे वर्ड फॉर्मेशन ऑफ द लेटर्स व्हाटएवर। एक मैं मिसाल दूंगा, पेरेंट्स जो है वो बच्चे को 3 साल घर में
रखने के बाद एक लैंग्वेज डेवलप करने के बाद स्कूलों में दाखिल कराने के लिए आ जाते हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल ढूंढते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को ये अवेयरनेस है कि हमारे बच्चे ने अब इंग्लिश मीडियम को पढ़ना है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही डालना है, क्योंकि इंग्लिश नाउ बिकम ए ग्लोबल लैंग्वेज और इंग्लिश को अगर आपने हायर स्टडी के लिए जाना है तो यू हैव टू जितने भी डॉक्यूमेंट उसमें टेक्स्ट अवेलेबल है वो इंग्लिश में है, तो इसीलिए इंग्लिश जो है वो सीखनी ज़रूरी हो गई है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अब पेरेंट्स जब बच्चे को दाखिल करवाते हैं स्कूल में आफ्टर थ्री और थ्री एंड हाफ ईयर, उसमें वो एक लैंग्वेज के साथ बच्चा आता है, 40 से 50 वर्ड्स की या सेंटेंस की वो सुन सकता है, बोल सकता है, वो लिसनिंग कर सकता है और स्पीकिंग भी कर सकता है। अब उसको यहाँ पे इंग्लिश सिखाने के लिए राइट फ्रॉम द फर्स्ट वर्किंग डे टिल लास्ट वर्किंग डे टीचर्स में बुक्स भी कॉपी सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व टू जस्ट टीच द लैंग्वेज। इसकी इसी तरह आप उसको प्रमोट कर देते हैं नर्सरी में, वही फर्स्ट वर्किंग डे स्कूल लास्ट वर्किंग डे आप भी उसको प्रेप में प्रमोट कर देते हैं। प्रेप का जो लास्ट वर्किंग डे आपका एग्जाम, मेरा यहाँ पे एक सवाल है, मेरा साथ दीजिएगा प्लीज। माँ बाप ने 3 साल बच्चे को लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करके इंग्लिश उर्दू पंजाबी व्हाट एवर दे टॉट बच्चे को स्कूल में भेज दिया, वहाँ पे उसने अब इंग्लिश सीख लिया, क्या हमने भी 3 साल बच्चे में तमाम एक्सरसाइजेस उस पर इम्प्लीमेंट की, क्या हम उसमें लैंग्वेज स्किल्स डेवलप कर सके उस मिकदार के बराबर जिस मिकदार में उसने एडमिशन लिया था प्ले ग्रुप में सुनने और बोलने के मिकदार का, मुझे इसका प्लीज जवाब दीजिएगा। हैव यू टॉट हिम और हर दैट लैंग्वेज ऑफ इक्वल टू दैट क्वांटिटी उस मिकदार में आपने सिखाई, नहीं। थैंक यू। पेरेंट्स सोचते हैं यार इंग्लिश अभी भी नहीं आई तो इसको आगे हम 1 क्लास से दोबारा इसको यहीं पर एडमिशन कराते हैं, 1 to 5 भी दोबारा हम उसको इसी प्रैक्टिस में लेके जाते हैं। अब बच्चे को हो गए 8 साल, पहले तो 3 साल में आप कह सकते हैं या आपके पते की बात बता रहा हूँ सेफ्टी पहले देंगे, यदि बच्चा हमारे पास आता है 4-5 घंटे के लिए हमने 1 घंटा उसको इंग्लिश पढ़ानी है, ज़्यादातर टाइम तो वो घर पर गुजारता है, 24/7 वो घर पर गुजारता है, तो इसलिए हमें इतना टाइम नहीं मिला कि हम इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप कर सकें। ओके, वो जस्टिफाई हो गया 1 से 5 तक फिर पढ़ाया, अब बच्चे को 8 साल हो गए, मेरा सवाल वही पेश रह रहा है, क्या हमने बच्चे को लैंग्वेज सिखा दी उतनी मिकदार में जितनी मिकदार में वो अपनी माँ की जुबान बोल सकता था व्हेन ही गॉट द एडमिशन इन प्ले ग्रुप, प्लीज बताइए यस और नो। नो, सो इट मीन इवन कि मैं अपनी बात करता हूँ आपने बता लीजिएगा, मैं जब स्कूल में फिर मैंने 6ठी से 10वीं तक किया और मैंने बड़े अच्छे मार्क्स ले लिए, 96.3% आई हैव गॉट गुड मार्क्स। अब यहाँ पे सोचने की बात ये है कि बैठने के बाद भी मुझे वो इंग्लिश नहीं आ रही, मैं कुछ मेमोराइज सेंटेंसेस उनको मैं बोल सकता हूँ बट आई एम नॉट एबल टू क्रिएटिवली कम्युनिकेट इंग्लिश। इस अलमिया को दूर करने के लिए वी हैव लॉट ऑफ मॉड्यूल्स टू डेवलप द लैंग्वेज स्किल्स, इंशाल्लाह आई विल शेयर इन फ्यूचर विद यू। I am trying to contact of your institutions. I will provide all the assistance free of cost, inshallah, for your institution. Thank you very much. और इसमें सिर्फ ये अब बातें ही नहीं होंगी, वो टेंजिबल रिजल्ट आएंगे आपके, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है। बाजार से गए और मैं गाड़ी में ला के लिया, आपको थोड़ी थोड़ी बांट दी, आपने स्टूडेंट को बांट दी, लेकिन इसको डेवलप करना है थ्रू कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इन आवर क्लासरूम इन आवर स्कूल। इसमें भी LMS को भी हम बात करेंगे, SMS भी बात करेंगे, करेक्टिव बिल्डिंग भी है, और करेक्टिव बिल्डिंग के हवाले से जो है आप सर्वसम की हदीस है कि बच्चे के द बिगनिंग 6 ईयर ऑफ द चाइल्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1400 साल पहले आपने बताया था, उन्होंने कहा था
उस बच्चे की बेहतरीन दर्शिका उसकी माँ की बोल है। हम लोग इस बात के ऊपर नहीं अमल किया, लेकिन जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी लाइफ ये सीखने में समझने में लगा दी कि बच्चे के 6 साल जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ सीखने की क्या है, इसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एक्सपीरियंस है, करिकुलम राइटर्स हैं, एंड सो मैनी थिंग्स आर, आप उसको जानते होंगे, जैसे मारिया मोंटेसोरी है जिसके नाम पे स्कूल में बने हुए हैं, डॉक्टर फ्रोबल रिचर्ड हैं जिनके नाम से किंडरगार्टन स्कूल बने हुए हैं। ये तमाम लोगों ने अपनी जिंदगियां इस चीज़ पे सीखने में वक्फ कर दी कि बच्चे के पहले 6 साल क्यों अहम और ज़रूरी हैं। अभी यहाँ पे एक दोस्त है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको डिफाइन भी किया, इन फ्यूचर आई विल डिफाइन मोर इन डिटेल्स टू प्रोवाइड यू ऑल माई असिस्टेंस इंशाल्लाह। और उस पब्लिकेशन इज इनवाइट यू एंड एवरी टाइम 24/7 रेडी फॉर योर असिस्टेंस, जस्ट गिव अस अ कॉल, वी विल बी एट योर डोरस्टेप। थैंक यू वेरी मच।